रविवार को पूरे मध्य प्रदेश में रामनवमी की धूम थी। जगह जगह पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चल समारोह निकाले जा रहे थे। लोग बड़े उत्साह के साथ प्रभु श्री राम के जयकारों के साथ रैलियां निकाल रहे थे। लेकिन मध्य प्रदेश के ही खरगोन बड़वानी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उम्मीद करते भी कैसे, कहा जाता है मध्य प्रदेश शांति का टापू है, लेकिन इस शांति के टापू के कुछ हिस्से में कुछ जिहादी मानसिकता वाले लोग बीते दिनों से सक्रिय हैं, और जिसका नतीजा ये हुआ कि मध्य प्रदेश के खरगोन में एक भीषण दंगे के हालात बने। हालात इतने बेकाबू हुए कि लगभग कई घंटों तक यह दंगा लगातार चलता रहा। आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे शुरू हुई ये पूरी घटना, और उसके बाद इस घटना के बाद सरकार ने क्या एक्शन लिया, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित, आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। खरगोन में बीते कई वर्षों से लगातार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चल समारोह निकाला जाता था। इस चल समारोह को लेकर लोग 9 दिन पहले से तैयारियां करते थे और पोस्टर बैनर के माध्यम से इसका खूब प्रचार करते थे। लेकिन रविवार को रामलला के जन्मोत्सव के मौके पर यह राम भक्त जब तैयारी करके जुट गए और इन्होंने शोभा यात्रा शुरू की, तो स्थानीय तालाब चौक क्षेत्र में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। दोपहर लगभग 3:30 बजे से यह चल समारोह शुरू हुआ। लगभग 2 घंटे ही शांतिपूर्वक यह चल समारोह जा रहा था। पूरे जोश और उत्साह के साथ श्री राम भक्त इस रैली में शामिल हुए। लेकिन शाम के 5:30 बजे स्थान था शहर का तालाब चौक, जहां पर जिहादियों के द्वारा इस चल समारोह पर पथराव कर दिया गया। पथराव होते ही भगदड़ की स्थिति बनी। लगभग 6:30 बजे के करीब खरगोन के कई हिस्सों में स्थानीय प्रशासन ने आनन फानन में कर्फ्यू की घोषणा कर दी। स्थानीय नागरिकों के मुताबिक पूर्व से ही तैयारी करके बैठे कुछ जिहादी मानसिकता वाले लोगों ने इस चल समारोह पर पथराव करना शुरू कर दिया। पथराव एक एक करके पथराव की घटनाएं बढ़ती गई, लोग घायल होते गए, जिसके बाद इस चल समारोह को स्थगित करना पड़ा और तुरंत ही आनन फानन में तालाब चौक क्षेत्र सहित कई अन्य जगह पर कर्फ्यू लगाया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जब यह कर्फ्यू लगाया गया, उसके बाद एक के बाद एक गौशाला मार्ग, मोतीपुरा स्टेडियम के पीछे टावर क्षेत्र, इसके अलावा संजय नगर और मोतीपुरा में भी कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई। घोषणा क्यों की गई, क्योंकि ये आतंकवादी एक के बाद एक घरों को फूंकने लगे थे, लोगों के घर में आग लगाने लगे थे, पत्थर फेंक रहे थे, लोगों को घायल कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन एकदम बेचारी नजर आई। स्थानीय जागरूक नागरिकों के मुताबिक, स्थानीय संगठनों के मुताबिक पुलिस प्रशासन इस जुलूस को लेकर काफी लापरवाही नजर आई। पुलिस को पूर्व से ही सूचना थी कि इस जुलूस में बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने महज लगभग 150 लोगों का बल इस पूरे जुलूस की सुरक्षा में लगाया, और यह बल भी एक जगह पर नहीं बल्कि कई अलग अलग जगह पर पॉइंट लगा दिए गए, और यह बल थोड़ा बहुत इस जुलूस के साथ भी चलता नजर आया। जब इस जुलूस के बाद पथराव हुआ, पथराव के बाद भगदड़ की स्थिति मची। ऐसे में पुलिस वाले हालातों पर काबू नहीं कर पाए और स्थितियां बिगड़ती गई। शाम 5:30 बजे से यह पत्थरबाजी की घटना हुई, जो देर रात 9:30 बजे तक चलती रही। उसके बाद कुछ समय के लिए इस पत्थरबाजी की घटना पर विराम भी लगा, लेकिन देर रात 12 बजे एक बार फिर से मोतीनगर क्षेत्र में आगजनी की घटनाएं शुरू हुई। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के इन इलाकों में लोगों ने पूर्व से ही पेट्रोल बम जमा करके रखे हुए थे, ऐसा स्थानीय नागरिक कह रहे हैं, हम नहीं। ऐसा बताया जा रहा है कि पत्थर भी बड़ी मात्रा में लोगों ने अपने घरों पर रखे हुए थे, और जिसके बाद रात 12:30 बजे इन पेट्रोल बमों को परिवारों के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि इस पूरी आगजनी की घटना में लगभग 30 घर जले हुए हैं। इसके अलावा कई लोग घायल हुए हैं, जिसमें 10 पुलिसकर्मी भी घायल हैं। ये दंगा इतना भीषण था, इस बात का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि खरगोन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी के पैर में गोली लगी है, उनका आनन फानन में ऑपरेशन कराया गया। घटना के बाद से ही खरगोन के इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो एक के बाद एक आना शुरू हुए। एक वीडियो में आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि कैसे एक महिला अपने घर पर खड़े होकर राम भक्तों के ऊपर पत्थर फेंकती नजर आ रही है। इस पूरी घटना के बाद शिवराज सरकार ने भी सख्ती बरती। जब इस तरीके से घर की छतों पर खड़े होकर महिलाओं ने पत्थर फेंकना शुरू किया, तो कुछ युवा और किशोर भी इस पत्थरबाजी की घटना में घायल हुए। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस घटना में एक 16 वर्षीय किशोर भी घायल हुआ है, जिसे इंदौर में वेंटिलेटर पर भर्ती करना पड़ा है। किशोर
कई घंटों बाद भी होश में नहीं आया, उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। यही नहीं, यहाँ तक कहा जा रहा है कि कई परिवार अपने घर छोड़कर यहाँ से भाग चुके हैं। एहतियातन पुलिस प्रशासन ने अब कर्फ्यू लगाया है। यही नहीं, जहाँ पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर लचर नजर आया, तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान एकदम सख्त अंदाज में इस घटना के बाद दिखे। उन्होंने साफ तौर पर जिला प्रशासन से कह दिया गया कि ऐसे उत्पाती लोगों को ना बख्शा जाए, जिसके बाद कुछ ही घंटों में शिवराज सरकार की बुलडोजर इन पत्थरबाजों के घर पर पहुंची और एक दो नहीं बल्कि 4 से 5 बुलडोजरों ने इन पत्थरबाजों और इन उपद्रवियों के घरों को तोड़ दिया। इसी प्रकार से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी साफ तौर पर अपने बयान में कहा कि जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है उनके घरों को ही पत्थर का ढेर बना दिया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह, जिनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बीते दिनों ही एक फरमान जारी किया था कि तमाम कांग्रेसी भगवान श्री राम की जयंती को मनाएंगे, रामनवमी को उत्साह के साथ मनाएंगे, वही दिग्विजय सिंह अब इस पूरी घटना के बाद कहा जा रहा है हिंदू समाज के लोगों को ही इस घटना का जिम्मेदार बता रहे हैं। यही नहीं, दिग्विजय सिंह के अलावा इस घटना को लेकर कुछ एजेंडाबाज पोर्टलों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि इस पूरी घटना की जिम्मेदारी हिंदू समाज की है, क्योंकि हिंदू समाज के लोग स्थानीय मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में जाकर डीजे बजा रहे थे। भाई साहब, आप साल के 365 दिन 4-4 चुंगे लगाकर सीधे सीधे चिल्लाते हैं, उससे हम आहत नहीं होते। यदि राम जन्मोत्सव पर हमारी ओर से डीजे बजा दिया जाए तो आप पत्थर फेंक देंगे, क्योंकि आप पर तो कानून लागू ही नहीं होता, आपको कानून पर भरोसा ही नहीं है। यदि डीजे बजाया जा रहा था तो आप कानून के पास जाते, ऐसे लोगों की शिकायत करते, लेकिन नहीं, आपको तो 4 दीवारों के बीच में बैठकर जो सिखाया जाता है आपने वही किया। कश्मीर में भी आप यही पत्थरबाजी करते हैं और मध्य प्रदेश में भी आपने इसी तरीके से पत्थरबाजी की। दिग्गी राजा ने संभाल लिया निशान भी एक एजेंडाबाज पोर्टल के माध्यम से उठाए। हम संबित नाम का यह पोर्टल कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह की पत्नी के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसने एक रिपोर्ट छापी और इस पूरी घटना का जिम्मेदार सीधे तौर पर कपिल मिश्रा को बता दिया, लेकिन तुरंत ही कपिल मिश्रा ने दिग्विजय सिंह की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया की और उन्होंने कहा कि जिस जगह पर जिस चल समारोह में वे शामिल थे वहां पर चल समारोह पूरे शांतिपूर्ण ढंग से निकला, तो वहीं इस पूरे झूठ जो दिग्विजय सिंह के द्वारा फैलाया जा रहा था उसकी भी कलई खुलती नजर आई। हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले पर हम ग्राउंड रिपोर्ट करके आपके सामने एक एक सच को, एक एक पीड़ित की आवाज को उठा कर लाएं, लेकिन इसके लिए हमें संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी और उन संसाधनों को उठाने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि हमारे श्री कृष्ण आप हैं। ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि आयुध लगातार इस मामले को कवर करें, इसके अलावा प्रदेश के उन लोगों की आवाज़ को उठाए जिनकी आवाज़ को अभी तक घोंटा जा रहा था, जिनकी आवाज़ को अभी तक दबाया जा रहा था, तो आप हमें आर्थिक रूप में मदद करके सशक्त बनाएं। यदि आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं।